तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने रिजल्ट जारी किया है। वहीं 10वीं बोर्ड का कुल रिजल्ट 90.59% रहा, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। शिक्षा विभाग द्वारा परिणाम के मुताबिक इस बार 10वीं में कुल 9,41,857 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट में पास हुए हैं। वहीं इनमें से 4,21,682 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, तो वहीं 3,77,251 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन में और 1,42,887 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन में पास हुए, जबकि 3,351 स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हैं। दसवीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। बीडी कल्ला और जाहिदा खान ने रिजल्ट घोषित किया और छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है, तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा क्योंकि 90.59% इस बार परिणाम ये आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, घोषित कर दिया। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने रिजल्ट जारी किया है। 10वीं बोर्ड का कुल रिजल्ट 90.59% रहा, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। शिक्षा विभाग द्वारा परिणाम के मुताबिक इस बार 10वीं में कुल 9,41,857 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, इनमें से 4,21,682 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, तो वहीं 3,77,251 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं और इसके अलावा अगर बात करें 1,42,887 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन में पास हुए, जबकि 3,351 स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हैं। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम 90.49% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 89.78 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.31 रहा। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,58,853 छात्रों ने परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 2,09,945 छात्र और 4,82,520 छात्राओं में से 2,12,253 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। तो छात्राओं ने परीक्षा में बाजी मारी है और रिजल्ट घोषित हो गया है। और आपको बता दें कि रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि काफ़ी खुश उसके बाद जब रिजल्ट घोषित हुआ, तो 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करी थी उनमें काफ़ी खुशी देखी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और इस बार जो है रिजल्ट जो है काफी अच्छा रहा है, 90.59% रहा, इसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। जी देखिए, बिल्कुल, जो 10वीं का जो परिणाम है वो आज शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और जाहिदा खान ने जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी थे वो मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी है नवीन जैन वो भी मौजूद थे। शिक्षा जगह हम रिजल्ट की बात करें तो करीब 10,66,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 9,41,857 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं और इनमें से 4,21,682 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट डिवीजन आए हैं और 3,77,251 स्टूडेंट जो है वो सेकंड डिवीजन आए हैं। 1,42,000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो थर्ड डिवीजन पास हुए हैं, जबकि 3,351 जो स्टूडेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्री आए हैं। जी वाकई में एक जो रिजल्ट आया है इससे ऑब्वियसली छात्राओं में और छात्रों में खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये रिजल्ट आया उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि दिन रात मेहनत करी, एग्जाम हुआ और अब जब रिजल्ट आया है तो पेरेंट्स की तरफ से स्टूडेंट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है?
जी देखिए, कहीं ना कहीं एक परिवार में खुशी का माहौल होता है जब अगर रिजल्ट जारी होता है, और खासकर इस बार के जो रिजल्ट है, पिछली बार जो 12वीं का जो रिजल्ट आया था उसमें भी जो छात्राओं ने बाजी मारी थी, और इस बार भी जो है वो छात्राओं ने बाजी मारी है, तो कहीं ना कहीं सभी के साथ जो खुशी है, जो वो परिवार में खुशी रहती है। और अगर हम बात करें कि टॉप 5 और टॉप 10 की, तो शिक्षा मंत्री द्वारा ये बताया गया है, जो अभी लेटेस्ट में जो बताया गया है कि जो टॉप 5 और जो टॉप 10 है उसकी जगह हमने परसेंटेज का जो सिस्टम है वो रखा है। परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज जो है वो आती है, और साथ में जो स्टूडेंट्स है वो अपनी परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है, परसेंटेज कितनी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो डिवाइड कर वो परसेंटेज अपनी निकाल सकते हैं। जी क्या आपके आसपास स्टूडेंट्स या टीचर मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो सकती है रिजल्ट को लेकर? जी नहीं, अभी हमारे साथ कोई स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। जी सचिन, वाकई में जो रिजल्ट है इसके बाद जो है, अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो इसको लेकर कुछ अपडेट मिल रहा हो कि कब जो है दोबारा से जो है इनको मौका मिलेगा? जी देखिए, 3,351 जो स्टूडेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्री आए हैं। अब आने वाले कुछ देखिए, आज जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है, लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है वो स्टूडेंट्स का जो जो रिवैल्यूएशन है, अगर वो इसके बाद अगर वो रीचेकिंग के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हैं अगर वो रीचेकिंग के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, तो रीचेकिंग के लिए भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो विभाग द्वारा आवेदन है वो 1 से 2 दिनों में, 3 हफ्ते भर के आसपास जो है वो चालू कर दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स है वो रीचेक पर फॉर्म डाल सकते हैं, रीचेक के बाद में जो है वो परिणाम जारी होगा। अगर उसमें जो परिणाम है उसमें अगर वो बच्चा पास हो जाता है तो वो पास माना जाता है, वरना अगर 3 से 4 महीने बाद जो है वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो है वो लगता है, जिससे बच्चा आगे की जो तैयारियां वो कर सकता है। जी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजसमंद की। 13